बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टाफिंग और वी कैन आल्सो कॉल इट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टाफिंग सिस्टम कंपोनेंट की बात की और स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को देखा। अभी हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टाफिंग स्ट्रेटजी और उसमें की डिसीजंस कौन से आपको नजर आते हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट स्टाफिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्स मेकिंग की डिसीजंस अबाउट द एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स। तो ये एक तरह से आपको एक रेपुटेशन नज़र आती है किसकी, स्टाफिंग की डेफिनेशन की। अब यही आपके पास तीन बेसिक एस्पेक्ट भी नज़र आए, एक्वायर करना, डिप्लॉय करना और रिटेन करना। सो 13 ऐसे डिसीजंस हैं विच आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड बिलो, जिसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। चलें पहले इसी को देख लेते हैं, व्हाट आर दीज 13 डिसीजंस। इन 13 डिसीजंस को हमने दो बेसिक कैटेगरीज में रख दिया। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस इज द सेकेंड कैटेगरी, जो कि स्टाफिंग लेवल से रिलेट करते हैं और दूसरे स्टाफिंग क्वालिटी से रिलेट करते हैं। सो वन बाय वन इसको आगे चल के देखेंगे। सम डिसीजंस पर्टेन प्राइमरली टू स्टाफिंग लेवल्स एंड अदर्स पर्टेन प्राइमरली टू द स्टाफिंग क्वालिटी, जिसके हमने देखा। और ईच डिसीजन इज शोन एज एन आइदर और, मीन्स आपके पास चॉइस है आइदर टू पिक ए और बी। ईच इज मोर अप्रोप्रिएटली थ्रू मोर अप्रोप्रिएटली थॉट ऑफ एज लाइंग ऑन अ कॉन्टिन्यूम एंकर्ड एट द एंड बाय दीज आइदर और एक्सट्रीम्स। सो व्हेन डिस्कसिंग द डिसीजंस कंटिन्यूड रेफरेंस इज मेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एग्जाम्पल एज वेल। तो इस एग्जाम्पल को भी हम एट द एंड थोड़ा सा वॉच करने की कोशिश करेंगे। सो अभी देखते हैं जी, ये डिसीजंस स्टाफिंग लेवल के क्या हैं और स्टाफिंग क्वालिटी के क्या बनते हैं। पहला डिसीजन जिसके ऊपर हम बात करेंगे लेवल के हवाले से, वो है एक्वायर और डेवलप टैलेंट, हायर योरसेल्फ और आउटसोर्स, तीसरा एक्सटर्नल और इंटरनल हायरिंग, फोर्थ इज कोर और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, फिफ्थ वन इज हायर और रिटेन, सिक्स्थ इज नेशनल और ग्लोबल, सेवन्थ वन इज अट्रैक्ट और रिलोकेट, एट्थ वन अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ, और नाइन्थ हमारा बनता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फोकस। इसी तरह से स्टाफिंग क्वालिटी के हवाले से आपको चार बेसिक डिसीजंस नज़र आते हैं। पहला है पर्सन जॉब और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मैच, दूसरा है स्पेसिफिक और जनरल के एसओस, तीसरा है एक्सेप्शनल और एक्सेप्टेबल वर्कफोर्स क्वालिटी, और लास्ट वन इज द एक्टिव और पैसिव टेबल्स। सो एज अ होल आपको ये 13 की डिसीजंस नज़र आते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टाफिंग स्ट्रेटजी। सो इसको हम की स्टाफिंग स्ट्रेटजी डिसीजंस के नाम से भी बुला सकते हैं। सो वन बाय वन इसी की डिटेल में चलते हैं, शॉर्टर वर्जन की तरफ आते हैं कि हमारे पास ये स्टाफिंग की डिसीजंस क्या हो सकते हैं। पहला डिसीजन जो हमारे पास स्टाफिंग के लेवल्स के हवाले से आता है वो है जी एक्वायर और डेवलप टैलेंट। पहले जनरल मीनिंग लेते हैं, व्हाट इज एक्वायर। एक्वायर हम कहते हैं किसी भी चीज को हासिल कर लेना, ठीक है। सो अब आपके पास है कि आप तो या तो हासिल कर लें या फिर क्या करें, डेवलप करें। टैलेंट किसको कह रहे हैं हम, के एस ए ओज जो कि एक इंडिविजुअल पोजेस करता है, यानी किसमें, दे आर related with the person. So an organization can focus on acquiring new employees. यानी हमारे पास है कि हम हासिल कर लें नए employees को, who can hit the ground running. So वो आए और उन्होंने काम शुरू कर दिया, and be at their highest performance level when they arrive. So हमने क्या किया कि हमने जो required कैसे उस थी person में, उसके मुताबिक new talent को acquire कर लिया, और वो क्योंकि पहले से तैयारशुदा है, क्योंकि हमने अपनी जो के एस ओज रखी थी उसी की बेस के ऊपर उसको रखा, तो वो आते ही आपको वो आउटकम दे सकता है। दूसरा है डेवलप टैलेंट, अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वुड लीड टू एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज हु आर विलिंग एंड एबल टू लर्न द के एस ओज बाय और मेक योर टैलेंट, ठीक है। अब देखें बाय क्या हो गया, एक्वायर, और मेक योर टैलेंट आप
अपने इंटरनल स्टाफ को भी यूज कर सकते हैं और उनको डेवलप करें, या जैसे आपको एक नज़र आता है MTO प्रोग्राम, ये अमूमन आपको बैंक्स के हवाले से, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी नज़र आता है, जिसमें वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। सो आपके 2 साल किसके ऊपर चल रहे हैं, यू आर बीइंग पेड एज वेल एज डेवलप्ड, जिसमें आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और उसी की बेस के ऊपर आपको डेवलप करके आपकी सेट पोस्ट के हवाले से प्रिपेयर किया जाता है। सो दैट इज मेक योर टैलेंट। सो आपके पास पहला डिसीजन एक्वायर और डेवलप टैलेंट का आ जाता है। दूसरा डिसीजन जो आपको नजर आता है लेवल के हवाले से, वो हायर योरसेल्फ और आउटसोर्स। सो आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी भी हेल्पिंग एजेंसी के थ्रू कर रहे होंगे तो वो आउटसोर्सिंग कहलाती है। सो आउटसोर्सिंग हायरिंग एक्टिविटीज मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉइज। सो मैंने किसी आपकी फर्म से कहा और आपकी फर्म ने मुझे ये रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस जो है परफॉर्म करके दे दी और मैंने आपको उसके चार्जेस ले दिए, तो ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट द वेंडर कैन better identify new job candidates than the organization itself, especially when there is no specific HR function. जो smaller organization है उनको HR के लिए और then staffing के लिए अगर उन्होंने throughout an year लोग रखने हैं तो उसकी एक अच्छी खासी cost बनती है, और अगर हम smaller organization है तो we might not be able to bear that, तो हम उस तरह से स्टाफ को एक्वायर नहीं करते। और जब हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि HR फर्म के तौर पे काम कर रही होती है अपनी इस रिक्रूटमेंट को आउटसोर्स करवा लेते हैं। देन आपके पास दूसरा चॉइस है कि हायर योरसेल्फ, और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिक्रूट इनफ एम्प्लॉइज ऑन इट्स ओन, एंड फाइनली इट हैज़ एडवांटेज फॉर लीगल कंप्लायंस सिंस मैनी वेंडर्स मेंटेन देयर ओन प्रोसीजर्स फॉर ट्रैकिंग कंप्लायंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ। हाँ, एक और बेनिफिट आ गया कि जब आपके पास आउटसोर्सिंग का, कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन खुद इतनी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, और एक और एडवांटेज आपको लीगल कंप्लायंस का आ जाता है कि बहुत सारी जो आपके पास आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं वो अपने प्रोसीजर्स फॉलो कर रही होती हैं अपने ट्रैक करने के लिए जो कैंडिडेट्स, so they are applying the law, rules and regulations, उस हवाले से legal compliance के issues भी आपके लिए नहीं बनते। so आपके पास दूसरा key decision आया कि आप खुद recruit करेंगे अपने internal recruitment process के through, जिसमें आप अपने staff को use कर सकते हैं या फिर आप इस function को outsource करके देना चाहते हैं। then आपके पास है external और internal hiring। एक्सटर्नल हायरिंग और इंटरनल हायरिंग से क्या मुराद है, इंटरनल हायरिंग इज चूजिंग व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू क्रिएट अ स्टेबल एंड कमिटेड वर्कफोर्स। सो इंटरनल हायरिंग से क्या मुराद है, जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही किसी पोस्ट के लिए एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और एक्सटर्नल हायरिंग क्या होगी, जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर इज हाई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और non acceptable internal candidates, organization can use the external hiring. So this depends upon the organization ki wo external hiring ko prefer karti hai ya internal hiring process ko prefer karti hai. Then aa jata hai core or flexible workforce. Ab hamare liye yahan par core aur flexible ka ek difference create karna bahut zaruri hai. So regular employees hain, they consist of the employees working full time or part time, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से हैं, जो कि इसकी जनरल एक डिस्क्रिप्शन बनती है, विच आर वर्किंग फॉर 40 और 48 आवर्स। ठीक है, ये तमाम एम्प्लॉइज जो कि 40 to 48 आवर्स इन अ वीक काम करते हुए नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके रेगुलर एम्प्लॉइज या कोर एम्प्लॉइज कहलाते हैं। फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स इज द एम्प्लॉइज यूज्ड ऑन एन नीडेड और जस्ट इन टाइम बेसिस। जैसे मैं 20 घंटे के लिए एक एम्प्लॉय को ले लेता हूँ, एक हफ्ते में वो 20 घंटे काम करेगा, कभी हमने ले लिया कभी नहीं लिया, जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट बढ़ती है तब हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, वैसे नहीं किया। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड इफ
and to what extent they will make use of flexible employees. So either they want to go for the core or flexible, or isme ek aur approach jiski hum baat kar sakte hain wo kya wo mixed approach ki ek part of the employees are in an organization are regular or core employees, or a part of the employees must can be used as flexible workforce. जैसे आपको educational institutions में नजर आता है कि अगर वहाँ पर 20 लोग जो हैं वो regular lecturers and assistant professors के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हर semester में 5 से 8 से 10 लोगों को वो visiting lectures के तौर पे भी बुलाते हैं. So there are organizational choices. इसके अलावा जैसे production की बात आती है कि जैसे जैसे या banking sector पे हम बात करते हैं, तो अगर आपके पास workflow ज़्यादा है तो आप कुछ temporary employees को add कर सकते हैं. Then other choice आपके पास आती है, that is hire or retain. So अब आपका एक belief है कि इसमें सबसे पहले हम एक लफ्ज समझ लेते हैं, that is turnover. Turnover क्या है? Leaving the organization. अगर किसी भी organization में turnover ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोगों का बाहर जाना, यानी outflow ज़्यादा है. अगर outflow ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें inflow बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम इस outflow के को break करते हैं. So जो हमारे पास आउटफ्लो को ब्रेक करना है या मिनिमाइज करना है वो क्या है, रिटेन एम्प्लॉयज. सो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये चॉइस आ गई कि या तो वो आउटफ्लो को काम कर ले, मींस रिटेंशन के ऊपर तवज्जो दे, या फिर जितना आउटफ्लो है उसको होता है होने दे, लेकिन हम तवज्जो किस पे देते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास लोग मौजूद हों. सो ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव फॉर एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ हायरिंग एंड रिटेंशन टू कंट्रोल द इनफ्लो नीड्स एंड द आउटफ्लो. सो इसको मैनेज करना बेसिक कंसंट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की किस पे है, ये भी बहुत जरूरी है कि आइदर दे वांट टू गो मोर टुवर्ड्स द हायरिंग और टुवर्ड्स द रिटेंशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल और ग्लोबल. सो ये नाम से जैसे जाहिर है कि आप जो लोकल एम्प्लॉयज हैं नेशनल बेसिस आइडेंटिटी रखते हैं, तो उन्हीं को आप हायर करना चाहते हैं, या आप इंटरनेशनली एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं. So offshoring occurs when an organization sets up its own operations in another country, while outsourcing is moving a business process to another vendor. So outsourcing and offshoring are supported through lower trading and immigration barriers. Organizations can provide cheaper products due to the outsourcing or offshoring. Or when an organization cannot find sufficient talent in their own country, to phir aap global ki taraf bhi जा सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि उसका साइज क्या है और उसकी पॉलिसी क्या है, ए वेदर दे वांट टू चूज बिटवीन द नेशनल और ग्लोबल. नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल का डिसीजन आता है वो है अट्रैक्ट और रीलोकेट. दोनों लफ्जों को समझना जरूरी है. अट्रैक्ट क्या है कि आप उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को यूज करें जिससे लोग आपके ऊपर आपकी तरफ आना चाहें, वो तवज्जो हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन उन पॉलिसीज को अपनाती है जिसमें मोर एंड मोर पीपल आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और रीलोकेट यानी अपने आप को, फॉर इंस्टेंस मैं ए सिटी है या ए जगह है उससे मैं अपने आप को किधर ले जाता हूँ, किसी बी प्लेस के ऊपर ले जाता हूँ, ये आ गया रीलोकेट. अभी इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. The basic premise of most staffing strategies is that the organization can induce sufficient number of qualified people for the employment. ये तो एक बुनियादी मकसद आ गया कि हमें जितने लोग ज़रूरत है उतने लोग हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो हमें मिलने चाहिए. तो it is better to bring the labor to the organization than to bring the organization to the labor. इसमें छोटा सा मैं पाकिस्तान के हवाले से करता हूँ. If we are living in Gujarat, तो हमारे पास opportunity है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक फुटबॉल की फैक्ट्री लगा लूँ, तो क्या मुझे फुटबॉल की फैक्ट्री गुजरात में लगानी चाहिए? दोज पीपल हु नो द बैकग्राउंड, तो गुजरात एक मशहूर सिटी है बिकॉज ऑफ मिट्टी के बर्तन और पंखों की फैक्ट्रीज के हवाले से. लेकिन फुटबॉल का मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉई मौजूद नहीं है. मिट्टी के बर्तन के एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे, आपको फैन इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. So instead of starting my businesses in Gujarat, I relocate myself at Sialkot Daska, because wahan pe aapko football ke karigar mil sakte hain.
सो अट्रैक्ट मीन्स कि क्या हम लोगों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, और अगर मैं गुजरात में फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ तो मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मुख्तलिफ इलाकों से लोग मेरे पास जॉब के लिए आएँ, और उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है, जैसे मुझे रिहाइश देनी पड़ सकती है, अदर फैसिलिटीज़ देनी पड़ सकती हैं। सो इट्स अ चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट देयर कैंडिडेट्स और दे वॉन्ट टू रिलोकेट। जो लास्ट हमारे पास नज़र आता है, लास्ट से कुछ थोड़ा सा पहले सेकेंड लास्ट बनता है, ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ। ओवर स्टाफ, जैसे मैं बात करता हूँ डिमांड की और सप्लाई की, तो इसका कॉन्सेप्ट है ये इक्वल होने चाहिए। 10 लोग चाहिए, 10 लोग होने चाहिए। अब 10 लोग चाहिए, हमारे पास 12 लोग हैं, 10 लोग चाहिए, हमारे पास 8 लोग हैं। सो ये हमारी डिजायर्ड सिचुएशन है। ये 12 क्या है? ओवर स्टाफ। और ये क्या है? 8 वाली अंडर स्टाफ। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कैसे रखना चाह रही है। दे वॉन्ट टू बी अंडर स्टाफ और दे वॉन्ट टू बी ओवर स्टाफ। सो देन व्हेन देयर आर डिप्स इन द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज टू राइड आउट विद ओवर स्टाफिंग एज अ रिजल्ट। सो लॉन्ग ड्यूरिंग लेबर शॉर्टेजेस कैन कम्फर्ट ऑर्गेनाइजेशन विद अंडर स्टाफिंग और प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक डाउन स्ट्रीम। सो ये देखो इकोनॉमिक कंडीशंस आ गई, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रोडक्शन की या स्टाफ की, उसके ऊपर भी बेस करता है कि आपने इसे क्या फैसला रखना है, कि आपने ऑल द टाइम अपने आप को बिलो पार रखना है जितने आपको लोग चाहिए, या आपको ओवर पार होने की ज़रूरत है कि आपको जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग अवेलेबल हों, और डेफिशिएंसी की सूरत में या फ्लक्चुएशंस की सूरत में आपकी डिमांड की आप उसको ईजीली मैनेज कर सकें। लास्ट जो की डिसीजन है इसका हमारा है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फोकस। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसमें कंसंट्रेशन टूवर्ड शॉर्ट टर्म रखते हैं। शॉर्ट टर्म मींस लेस देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 3 ईयर्स आपका लॉन्ग टर्म में आ जाता है। सो ऑप्टिमाइजिंग द बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्टाफिंग नीड्स इज डिफिकल्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन फेस अ ट्रेड ऑफ कि हम किस पे कंसंट्रेट करें। व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस आर फोर्स टू चूज दे विल फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, और टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द स्टाफिंग नीड्स। सो ये हमारे पास 11 की डिसीजंस हो गए जो कि लेवल से रिलेट करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीजंस आते हैं वो हैं स्टाफिंग क्वालिटी के डिसीजंस। इसमें आपके पास पहला डिसीजन है पर्सन जॉब और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मैच। इसको हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर उसमें पहले भी देख चुके हैं। सो इट्स द सेम एज देन। हमारे पास अगला है स्पेसिफिक और जनरल के एसएओज। स्पेसिफिक के एसएओज हम कहते हैं उन के एसएओज को जो के रिक्वायर्ड हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। जैसे आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो नंबर एप्टीट्यूड चाहिए, अकाउंटिंग के लिए चाहिए, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स अ जनरल के एसएओ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी जॉब। सो आपकी कंसंट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ स्टाफिंग क्या होनी चाहिए कि आप किस पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग रैपिड चेंजेस इन जॉब कंटेंट एंड जॉब क्रिएशन कैन बेटर फोकस ऑन जनरल के एसएओस, और इसी तरह से वाइस वर्सा कि हम बाज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं कि जनरल बेसिक करेक्टरिस्टिक है, लीडरशिप स्किल्स देखी, टीम मैनेजमेंट को देख लिया, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, और स्पेसिफिक जो के एस एओज चाहिए वो हम खुद सिखा लेंगे, और बाज़ को वाइस वर्सा भी लेकर चलना चाहें तो चल सकती हैं। एंड देन हमारे पास अगला जो की डिसीजन आता है वो है एक्सेप्शनल और एक्सेप्टेबल वर्क फोर्स क्वालिटी। यानी हमने बहुत अच्छे लोग लेने हैं, बहुत अच्छे से मुराद किया है कि वो जो कि बेस्ट इन टाउन हो सकते हैं, और डेफिनेटली इससे रिलेटेड कॉस्ट भी वेरी करती है। सो अगर हम एक्सेप्शनल वर्कफोर्स लेना चाहते हैं तो एक्सेप्शनल स्ट्रैटेजी अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉक अप ऑन द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट होपिंग एट सुपीरियर परफॉर्मेंस, और द एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी जिसमें हम गुड इनफ लोगों को लेते हैं, स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन अ लेस हाई पावर्ड वर्कफोर्स एंड लेस एक्सपेंसिव। जैसे मैंने कॉस्ट की बात की कि अगर आप एक्सेप्टेबल वर्कफोर्स पे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट निस्बतन कम हो सकती है। और जो लास्ट की डिसीजन रिगार्डिंग द क्वालिटी आपको बनता है वो है एक्टिव और
पैसिव डाइवर्सिटी। इसको डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। डाइवर्सिटी क्या है? व्हेन एवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, लाइक एज की डाइवर्सिटी किस पे बेस करती है, जब आपके पास मुख्तलिफ एज के लोग हैं। अगर आप बात कर लेते हैं जेंडर की बेस पे, तो जेंडर डाइवर्सिटी बनती है, कल्चरल डाइवर्सिटी बनती है, सो ये डिफरेंट है। अब एक्टिव डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? जब आपकी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ठीक है, आपके एक्शंस जो हैं वो इस तरफ आए कि आपके पास डाइवर्सिटी इंक्रीज हो, ये क्या है? एक्टिव डाइवर्सिटी। और पैसिव डाइवर्सिटी हम उसको कहते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे एक्शंस नहीं कर रहे होते, हम बजाय कि हम डाइवर्सिटी को अपने आप में लाना चाहें वो नहीं हम करते, लेकिन हम डाइवर्सिटी को रोकने भी नहीं है। यानी अगर हमारे पास डाइवर्सिटी बनती है तो हमें कोई मसला नहीं, सो हम एक्टिवली कोशिश नहीं कर रहे, इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव डाइवर्सिटी। सो दो स्टिमुलेटिंग एंड एक्टिव डाइवर्सिटी आर्ग्यू दैट इट इज लीगली एंड मॉरली अप्रोप्रिएट एंड दैट आर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द डाइवर्स नीड्स ऑफ द कस्टमर। ये बेस करता है कि डाइवर्सिटी को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव समझा जाता है और है भी, सो उसी की बेस पे आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो दो स्टिमुलेटिंग अ मोर पैसिव डाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी आर्ग्यू दैट इट टेक्स टाइम टू क्रिएट अ डाइवर्स वर्कफोर्स due to the assimilation activities and the substantial planning activities. So, ये हमारे पास आज का लेक्चर बनता है, इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टाफिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की और हमने कहा ये स्ट्रैटेजी है जो रिक्वायर करती है डिसीजन मेकिंग अबाउट एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। हमारे दो की डिसीजन बनते हैं, जो एक स्टाफिंग लेवल्स के और दूसरे स्टाफिंग क्वालिटीज के। और स्टाफिंग लेवल पे हमने इन 9 डिसीजंस के ऊपर बात की और देन हमने स्टाफिंग क्वालिटी पे इन 4 डिसीजंस की बात की। सो ओवरऑल हमने इन 13 डिसीजंस को देखा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली लव टू आंसर दोस। सो वंस अगेन थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।